हसन। आप थोड़ा अपना पूरा परिचय हर जाऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद फैजुल हसन, घर मेरा हो गया कठारा। हम प्राथमिक विद्यालय कठारा में पोस्टेड हैं, प्रभारी प्रधानाध्यापक जी। सर इससे पहले आप फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरा यहीं है। आप पंचायत जी? पंचायत टीचर हैं। अभी आप यहाँ असेंबली पोस्ट पर हैं, मान लीजिए आपके साथ में अभी कितने शिक्षक हैं यहाँ? मेरे साथ में अभी 6 शिक्षक हैं हमको लेकर, मैं हूँ और 5 शिक्षक और हैं जी। बच्चे कितने हैं? 157 बच्चे हैं। सर यहाँ आप यहाँ मान लीजिए बच्चे को क्या क्या सुविधा मिल रहा है? यहाँ बच्चे को जो है मध्याह्न भोजन मिलता है, उसके बाद FLN किट सब मिला है बच्चे सबको, सबको बंटवारा किया गया है जी। उसके बाद जो है सो पोशाक की राशि आती है, छात्र पोशाक की राशि आती है बच्चे के खाता में, ये छात्रवृत्ति की राशि आती है। सर टाइमिंग क्या है आपका आने का और जाने का? टाइमिंग 9 बजे से 4:30 बजे तक। 9 बजे से 10-15 मिनट पहले हम लोग आ जाते हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस होता है जी। थोड़ा पहले सर अभी आपको इस स्कूल में क्या क्या कमी देख रहे हैं, इस स्कूल में क्या क्या अभाव देख रहे हैं? सरकार तक आप हमारे चैनल के माध्यम से उन तक जाए, इसका समस्या का समाधान हो। आपके यहाँ क्या क्या समस्या है, इसमें क्या क्या चाहिए? मेरे यहाँ समस्या है स्कूल का बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसके कारण स्कूल में स्कूल पर जो है सो काफ़ी क्षति होता है। बच्चा तो कुछ लिख पढ़ देता है, कहीं गंदगी कर देता है, ये सब समस्या होता है बाउंड्री नहीं रहने के कारण। यहाँ ये रसोई घर नहीं है, क्लासरूम में ही खाना बनता है। उसके बाद जो है ये स्कूल सब में बेंच डेस्क मिला है, और स्कूल सब में इस स्कूल को अभी तक जो है सो नहीं मिला है बेंच डेस्क जी। इस चीज़ सब का अभाव जी जी। कभी JEE आए थे इनको? JEE आता है कभी कभी जी। आप इस सब के बारे में लिखे दिए हम लोगों को? जी जी दिए हुए हैं, देख चुके हैं। क्या बोल रहा है जी? बन होगा, आएगा, यही बता रहे हैं कि आएगा। हाँ हाँ हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ जी जरूर होगा जी। सरकार ऐसा फैसला ले लिया है, कोई कमी नहीं रहेगी, सब कुछ का धीरे धीरे। पढ़ाई कौन क्लास से कौन क्लास तक होता है? 1 क्लास से 5 क्लास तक होता है पढ़ाई जी। मान लीजिए पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है? जी बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे लोग टाइम पर आ रहे हैं जी जी। और कुछ कहना चाहते हैं सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, यही सबसे पहला प्राथमिकता है कि बाउंड्री वॉल अगर स्कूल में हो जाता ना तो स्कूल सेफ हो जाता, सेफ हो जाता, उससे बहुत सारा फायदा होता। कुछ करवाते हैं जैसे नल लगा हुआ है, उसका टोटी बच्चे लोग तोड़ के भाग जाता है। अब कौन तोड़ता है तो हम लोग चले जाते हैं, देखते नहीं है। उसमें बाउंड्री रहेगा तो ऐसा ये सब समस्या नहीं आएगा, ये सब दिक्कत जी जी। चाहिए बाकी सब ठीक ठाक जी। नाम क्या हुआ? मोहम्मद फैजुल हसन, घर कठारा। स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय कठारा जी। थाना कौन सा? सकतपुर। और जिला हो गया? दरभंगा।